इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेक्चर नंबर 34। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स। नाउ फर्स्ट पार्ट वी विल डू हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट ए बी इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ बेस लाइन 5.3 सेंटीमीटर। नाउ चेक दैट एंगल बी इज गिवन हेयर एंड एंगल ए इज गिवन हेयर। सो यू हैव टू ड्रॉ अ बेस लाइन हेयर 5.3 सेंटीमीटर। आफ्टर 5 यू विल काउंट हेयर 3 लाइन्स, देन you can write its measurement 5.3 centimeter named as A and B. Now you will construct an angle of 30 degree and 45 degree. I will construct here angle with the help of protractor, not with compass. In previous lectures you have to learn angles with the help of compass. Now इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मेन चीज़ मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखाने हैं। अगर मैंने एंगल भी कंपास से बनवा दिए तो वो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रोटेक्टर से ये बना के फिर समझाती हूँ। एट पॉइंट बी यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सो यू हैव टू पुट प्रोटेक्टर एट बी। नाउ 30 डिग्री हेयर, नाउ यू हैव टू जॉइन दिस विद बी, दैट इज़ द एंगल ऑफ 30 डिग्री। यू कैन राइट हेयर 30 डिग्री। नाउ एट पॉइंट ए यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो यू हैव टू पुट क्रॉस पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर ऑन ए पॉइंट। सो 45 आई थिंक सो हेयर। नाउ यू हैव टू जॉइन दिस। नाउ देखें डायग्राम छोटी थी, अगर मैं इसे कंपास से एंगल बनवा देती तो वो और ज़्यादा खिचड़ी बन जानी, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिखाना है। सो दिस पॉइंट नेम्ड एज सी। नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। नाउ यू नो दैट ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स, सो फर्स्ट साइड इज ए बी, सेकंड साइड इज बी सी एंड थर्ड साइड हेयर इज ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाइसेक्ट द ए बी साइड। सो हाउ यू कैन डू द bisection here by opening compass more than half but less than full, it's half I think 2.6 something, so open compass from more than 2.6 then less than 5.3 like this. Now put compass at point B, draw arcs up and below. Now put compass at point A, draw arcs up and below. Now check that this arc is small, not going to intersect, so you have to extend this arc like this. Now you have to join with scale intersection point. Now this is the perpendicular bisector of AB, so you have to write its name A dash and B dash. Now its second side is BC, so you have to open compass less than C, from B to less than C. Now draw arcs up and below. Now put compass at point C, draw arcs up and below. Now check that this arc cannot intersect, so you have to extend this arc, and extra arc you can raise. Now you have to join these two intersection point each other. Now this is the second perpendicular bisector of side BC, so you have to name it as B dash C dash. Now you have to do the bisection of AC, so you have to open compass from A to less than C, draw arcs up and below like this. Now put compass at point C, draw arcs up and below or left right, check that this arc is small, so you have to extend this arc. Now this are, now you have to get here point of intersection here. Now you have to join point of intersection this and this, you have to join. Now
दैट इज़ द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए सी, सो ए डैश एंड सी डैश, चेक दैट ऑल परपेंडिकुलर बाई सेक्टर्स मीट एट दिस पॉइंट, सो दैट इज नेम्ड एज ओ पॉइंट. ओ डी ओ इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. सो नेक्स्ट इट्स पार्ट इज डू दे मीट इन साइड द ट्राइंगल, नो दे डू नॉट मीट इन साइड द ट्राइंगल. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू हैव टू राइट. सो अल्लाह हाफिज. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3. अल्लाह हाफिज़.